आपका नाम क्या है? अदिति रायकर, एक मिनट। कमिंग फ्रॉम? अंकोला, अंकोला। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? साइनोसाइटिस। कब से हो? थोड़े मतलब 4-5 साल से हैं। आप पूरा हिस्ट्री बताओ, आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? मतलब जब सोती थी तो पूरा चादर ओढ़ के नहीं सो सकती थी, मुंह पे नहीं ले सकती, सफोकेटेड फील होता था। फिर वही कोई हाथ यहाँ पे रखता तो भी सफोकेटेड फील होता है। और फिर जब कोल्ड होता है ना तब पूरा नाक ब्लॉक हो जाता है। फिर सांस लेने में तकलीफ होती थी। फिर वो खून खून करके निकालना पड़ता था। सारे फ्रेंड्स सारे इरिटेट होते थे जब मैं वैसा करती थी। ऐसा कितना साल से तकलीफ है बोले? 4-5 साल से चार है। पाँच साल से? तो अभी ज़्यादा हो गया ये टाइम। हाँ आजकल मतलब मैं मैसूर में रह रही हूँ, वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट है ना, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अभी इधर कितने दिन हो गए और कैसे आ गए, कितने बताए आपको इधर? मैंने टीवी पे ऐड देख रहा था तो फिर मम्मी लेकर आई कि चलो चलते हैं यहाँ पे करके। तो कितना दिन ट्रीटमेंट लिया इधर? अभी 4 दिन में 17 सेटिंग्स लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अभी कौन सा तकलीफ ठीक हो गया अभी? एक्चुअली वो जो चादर उठ के सोती थी तो सफोकेटेड फील होता था ना, वो कम हो गया है। और फिर स्नीजिंग स्नीजिंग ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। और ब्लॉक, नोज ब्लॉक जो होता था? वो कोल्ड जब होता था तब होता था, आजकल कोल्ड नहीं हुआ है ना तो पता नहीं कि वो होगा या नहीं। आपका आराम है यानी 4 दिन के अंदर भी आपको इतना इम्प्रूवमेंट आ गया? हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है। क्योंकि इसको आपने, मैंने बोला था आपको बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए, फिर भी आपको वो आपने बोला कि अभी ये टाइम में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लाओ डॉक्टर, थोड़ा रिलीफ दे दो, बाद में आके पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो इसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो मैंने पूरा मेरा रिसर्च ट्रीटमेंट लगाया आपको पॉइंट्स, तो उसके कारण आपको बहुत जल्दी आराम मिल गया। तो कितने दिनों के अंदर आपको ठीक होने लगा, कितने दिनों में आपको आराम पड़ा? मुझे मतलब 2 दिन से कुछ 9 या 10 सेटिंग के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हैप्पी हैं अभी? हाँ, हाँ आपको हैप्पी है। आपके फ्रेंड्स को क्या बोलने का है? बोलेंगे कि यहाँ पे आओ, अच्छे मतलब हेल्दी बन कर जाओ, जो भी आपका प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।